पार्टी हो गई है शुरू। ये है जगह छोटी सी, बट छोटी सी जगह में ना बहुत सारी लड़कियां हैं। तो जी उसके बाद आ गए पार्टी में और पार्टी शुरू हो चुकी है। एक्चुअली ये पार्टी 2 बजे शुरू हो गई थी और 10 बजे तक 11 बजे तक चलेगी। अभी पार्टी चल रही है, अभी मतलब अभी ठंडा ये काम, अभी जब थोड़ी सी शाम हो जाएगी मतलब आधे एक घंटे के बाद पूरी यहाँ पर रौनक हो जाएगी। यहाँ पर काफ़ी लोग और बहुत सुंदर सुंदर महिलाएँ आ चुकी हैं जिससे पार्टी में रौनक आने वाली है। तो दिखाते हैं माहौल आपको। तो ये पार्टी वैसे शुरू हो चुकी है और आते ही टेबल सारी की सारी फुल। एक्चुअली क्या हुआ, हम बुक करना भूल गए थे और नीचे सारी टेबल फुल हो चुकी है, ऊपर मिली है टेबल, लेकिन कोई बात नहीं, माहौल बना हुआ है और करते हैं पार्टी एंजॉय। पार्टी नेक्स्ट लेवल है गाइस, कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहना, बहुत मज़े आने वाले हैं। पूरी पार्टी ज़बरदस्त है, नेक्स्ट लेवल। पार्टी हो गई है शुरू, शुरू भाई, फन पूरा भाई, मस्ती चल रही है। ये है जगह छोटी सी, बट छोटी सी जगह में ना बहुत सारी लड़कियां हैं भाई। एक्चुअली ये सोनाबाद है और ये सोनाबाद के अंदर इन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज करी है और बहुत ज़बरदस्त पार्टी है, नेक्स्ट लेवल चल रही है। और जैसे आप देख रहे हो इस टाइम मेरे ख्याल से 6:30 बज रहे हैं और ये पार्टी टिल चलती रहेगी 10 बजे तक, ऐसे ही मज़ेदार। तो भाई अपने आगे हैं ओनियन रिंग और चिकन स्टिक, बड़े कम दिए इन्होंने। अब शौक मत हो, यहाँ तो इतना ही मिलेगा, ये तो एक घंटा ही है। अब ये 100 के अंदर, अब 100 एक प्याज 100 का ही बनेगा, 100 बाट का। एक्चुअली मैंने स्टिक ऑर्डर करी है वो भी 100 बाट की है और ये ओनियन विंग्स भी 100 बाट के हैं। क्वान्टिटी बहुत कम है बट कोई बात नहीं। Casera nati ni seré tu pina, Gucci Dior baby te ve fina, qué pena que sea falsa hecha en China, de pronto no era tan malo. Dance on the wall, booty dance, booty dance. Alright, over there. Next level. Cogiste la rosa y escupiste pina. Será Nati ni seré tu pina, Gucci Dior baby te ve fina, qué pena que sea falsa hecha en China, de pronto no era tan malo, ni tú tan buena como tú lo creías. Allí. पार्टी अभी भी चल रही है, अभी तो 3-4 घंटे और चलेगी। अभी टाइम क्या हुआ है? अभी हो गए 7:30 यहाँ पर, 7:30 अभी भी टाइम बचा हुआ है, तो अभी 10 बजे पार्टी चल रही है।
कर सकते हैं, बाकी हम तो निकल जाएंगे पहले ही। पार्टी अभी भी कंटिन्यू चल रही है। हम लोग बाहर आ चुके हैं, पार्टी जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 बजे से पहले बंद नहीं होने वाली, लेकिन हम लोग बाहर आ गए क्योंकि हमें निकलना है और पारस ने भी जाना है। तो जा रहे हैं, अगला प्लान कुछ वॉकिंग स्ट्रीट की तरफ है। तो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वॉकिंग स्ट्रीट की तरफ ही, मतलब कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट व्लॉग आने वाले हैं। और ये पार्टी यार बहुत बढ़िया थी, जिसको अच्छी लगी यार कमेंट करके बताना ज़रूर। और किसी ने आना हो तो लोकेशन वगैरह इसकी दे देंगे। पार्टी में फूड और ड्रिंक्स अनलिमिटेड थी, मतलब इनके पैकेज है जो अलग अलग होते हैं वो पहले से बुक थे, तो आप आना चाहो तो इन्जॉय कर सकते हैं। ये लोकेशन क्या है अपनी? है ये प्रथम नाग सोई 6, इसको बोलते हैं प्रथम नाग सोई 6 है पताया के अंदर। तो इसमें भी मैं लोकेशन दे दूंगा। और बाकी यार पार्टी यार बहुत जबरदस्त थी, मज़ा आ गया यार, बहुत मज़ा आया यार, हमने बड़ा इन्जॉय किया। तो मैं कह रहा था एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे क्लब्स वगैरह खुल चुके हैं और पब्स वगैरह स्ट्रिप बार सारे खुल चुके हैं। पीछे थाई क्लब और थाई म्यूजिक चल रहा था, उसमें भी पूरा क्राउड था। और आगे गोगो बार वगैरह वो भी ओपन हो चुके हैं। तो ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें खुल चुकी है पहले, क्योंकि वॉकिंग स्ट्रीट पूरे तरीके से बंद थी। तो ऑलमोस्ट 70% अब ओपन हो चुकी है। yeah. जैसे आप देख रहे हो मेरे पीछे। हाँ, इंजॉय के लिए नाइट लाइफ इंजॉय हो सकता है अभी, क्योंकि खुल गया है सब कुछ ऑलमोस्ट, क्योंकि पता है कि नाइट लाइफ फिर से ओपन हो चुकी है एक बार। ऑलमोस्ट जो पहले बिल्कुल स्टॉप हो गई थी यार, अब ऑलमोस्ट खुल चुकी है। पर टेम्परेचर चेक कराना यहाँ पर भाई, कोविड चेक कर रहे हैं अंदर जाने से पहले। ये कौन सा आ गया? 808 808 एंड कैंडी शॉप। तो जी 808 आ गया है और 808 पूरा खुला हुआ है जैसे आप देख रहे हो। 808 पे रश है, पूरा खुल चुका है क्योंकि एंट्री यहाँ पे अलाउड है। बट एक कंडीशन है, आपको यहाँ पे रैपिड टेस्ट देना होगा, उसके बाद ही आपकी एंट्री होगी। और सबका रैपिड टेस्ट हो रहा है यहाँ पे, इजीली है, अपना टेस्ट करवा के आप अंदर जा सकते हैं। और यहाँ के गोगो बार भी खुल गए हैं, है पर यहाँ पे बार गोगो यहाँ पर गोगो सारा नहीं खुले, सारे नहीं खुले, सिर्फ मान लो 40% गोगो खुल चुके हैं यहाँ पर। यार माहौल बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, मैं कहता हूँ दूसरी वॉकिंग स्ट्रीट ही बन गई है। वॉकिंग स्ट्रीट में तो यार इतना क्राउड था नहीं, हाँ था 60-70%, लेकिन यार उससे कई गुना ज़्यादा, मतलब कि जैसे वॉकिंग स्ट्रीट पहले थी ना, तो अब ये वॉकिंग स्ट्रीट ट्री टाउन बन गई है। ट्री टाउन में यार वाकई में ट्री टाउन ऐसे है कि भाई पहले वॉकिंग स्ट्रीट में क्या होता था, सबसे ज़्यादा क्राउड होता था और ट्री टाउन का हमें पता ही नहीं था। हाँ, ट्री टाउन में क्राउड है पहले की तरह ही है, बट ये हमको पता चला है कि भाई ट्री टाउन में कोई जगह है। एक्चुअली यार ट्री टाउन जो है ना इंडियंस के अंदर इतनी पॉपुलर नहीं है, लेकिन यहाँ पे गोरे बहुत आते हैं और पूरी ट्री टाउन गोरों से ही फुल है। और आने वाले टाइम में इंडियंस भी आ रहे हैं, क्योंकि हमने पिछले ब्लॉग्स में भी दिखाया था ट्री टाउन, और ट्री टाउन धीरे धीरे फुल हो चुका है इस टाइम में। तो मैं मतलब कि जैसे पीछे ये क्राउड पूरा क्राउड अपना गोरे इसलिए ये जगह पसंद करते हैं, यहाँ पर मोस्टली है बार्स। तो बार्स में क्या होता है, गोरे अपनी एक एक बियर लेते हैं और अपना चिल करते हैं और रोटे देखते रहते हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और बस मजे करते हैं और म्यूजिक इंजॉय करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम भी भाई देख दिखाने आए हैं आपको माहौल यहाँ पर कि क्या चल रहा है अभी फिलहाल। तो ये छोटी सी बार बनी हुई है, बार
तो यहाँ पर आपको काफ़ी बार्स मिल जाएंगी जहाँ पर आप बैठ के इंजॉय कर सकते हैं और लड़कियों को भी ड्रिंक पिला सकते हो, वहाँ पर लड़कियाँ होती हैं। तो यार यहाँ पर वाइब एक डिफरेंट ही है अभी, मतलब वॉकिंग सीट में और ये वाले एरिया में डिफरेंट ही वाइब है यार। यहाँ पर और भी मजा आ रहा है, यहाँ पर आसपास थोड़ी सी भीड़ भूड़ दिख रही है तो मजा आ रहा है भाई। तो जी इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। और यहाँ पे आईडी आ रही होगी यार आरबी पारस और एंडलेस लाइफ। तो यार जिसको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए शबा खैर, गुड बाय।